अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है इसके पीसेस के बारे में, तो मेरे पास यही बस इसके साथ मैचिंग यही पीस बचे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको दया ना करो, इनका कुछ बना ही देती हूँ। तो मैंने इनसे फ्लावर बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये पीसेस बहुत छोटे छोटे से हैं। इनको मैंने कैसे अरेंज करके एक प्यारा सा फ्लावर बनाया और फ्रॉक लगाया, और फ्रॉक बहुत ही प्यारा बना है। इसकी वजह से ऐसे ये पीस जाया ही जाते हैं, तो चलो फ्रॉक भी बन गया है, तो फ्रॉक की भी लुक कुछ अच्छी सी हो गई है। और मैंने इसको कागज़ के पैटर्न के जरिए कटिंग की है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रही थी। इसकी मैंने 5 पत्तियाँ बनाई हैं, ऐसे ही कपड़ा जाया होने से बेहतर है कि इसका कुछ ना कुछ हाल निकल ही आए। आपके पास भी इससे भी अच्छे पीसेस पड़े होंगे, आप करें वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपका काम में ला सकती हूँ। वीडियो लाती रहूँ इंफॉर्मेटिव। ये मैंने कब साइडों से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, तो इसको मैंने साइडों से सिलाई लगा के ही काम चलाना है सब काम। ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये मैंने रेडी कर ली है, अब थोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देती हूँ। और ये मैंने थोड़ी इस तरह का थोड़ा पीस बच के था, उसको भी मैंने इस तरह से डोरियाँ बनाई हैं, और उसको सुई धागे की मदद से उसको सिलाई करेंगे। और इसकी फ्रॉक की भी मैं फ्रॉक भी लगाया है, इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। और चैनल पर विज़िट लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। जिस बार जो सुई होती है बहुत देर लगती है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा सुआ होता है, बहुत मोटा होता है, तो इसको इसके लिए हम जल्दी काम हो जाते हैं। तो ये इसके लिए मैं सब फ्लावर बनाया है इसके साथ ही। और इसके अंदर एक मोती भी लगाया है। ये रेडी हो गई है।